गाजियाबाद से हत्या का मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने अपनी पत्नी और बेटी की हत्या कर दी और वहीं उसका एक बेटा गायब है। वहीं गायब बेटे को पुलिस तलाश कर रही है, आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं मृतका के भाई ने बताया है कि शादी के बाद से ही इनके अक्सर झगड़े हुआ करते थे। उन्होंने कई बार इस मामले को सुलझाने का प्रयास भी किया, लेकिन ये मामला सुलझ नहीं सका। अब वह लोग हत्या आरोपी के फांसी की मांग कर रहे हैं। वही आपको बता दें कि मामला गाजियाबाद के थाना नंदग्राम के सिद्धिक नगर कॉलोनी का है, जहां संजय नाम के शख्स ने अपनी पत्नी रेखा और नाबालिग बेटी के फावड़े से हत्या कर दी थी। वहीं पुलिस की मिली जानकारी के मुताबिक ये पूरा परिवार 3 मंजिला मकान में रहता था और अक्सर दिन घर में विवाद होता था। वहीं विवाद के बाद अपने ही घर में महिला ने पानी की सप्लाई रोक दी, जिसके बाद संजय और उसकी पत्नी में विवाद पड़ गया और उसके बाद संजय ने फावड़े से अपनी पत्नी और बेटी को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस को सूचना मिली है लगभग 12:30 बजे के बीच में, एक घर के अंदर 2 लाश मिली है और उसके बाद पुलिस तुरंत मौके पर आया। SHO और CO और ADCS पे हम सभी मौके पर आए। हम लोग थोड़ा जांच किया है, जांच के बाद ये निकल के आई है ये जो औरत है उसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास होगी और एक लड़की है उसका 14 साल के आसपास होगी और दोनों का लाश दिखाई पड़ी वहाँ पे। उसका जो पावड़ा से मारा लग रहा है वहाँ पे। मेरे पास फोन आया था, कि वहाँ ऐसे लड़ाई हो रही है, पहले ही आया था। फिर दूसरा फोन आया था कि वो मारी है मतलब फावड़े से। लड़ाई इनकी शुरू से थी सर, घर की होती है, सबकी होती है जी। हम भी समझाने आते थे, इन्हें भी समझा देते, उन्हें भी समझा देते, नहीं समझे। आज इनकी क्या बात थी ये हमें भी नहीं पता।